हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ टीवेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी, मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया, तो आप देख सकते हैं 15 मिनट चार्ट में बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं एक रेंज में चल रहा है बैंक निफ्टी, राइट। तो यहाँ से मुझे लगता है अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो ये 27,400 के आसपास जा सकता है। पर ये प्राइस ब्रेकआउट कर नहीं पाया तो फिर से ये नीचे पहले जो हायर लोअर पॉइंट था उसका पास आ सकता है, जैसे 26,400। क्योंकि ये जो मार्केट अभी दिखाई दे रहा है ये चौपी मार्केट है, तो इसमें क्या होता है, तो ट्रेंड लाइन कुछ कभी भी ये ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये एक रेंज में चलता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं एक रेंज में चल रहा है, राइट। ये तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये ट्रेंडिंग मार्केट है या चौपी मार्केट है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक ही साथ में घूम रहा है, राइट। तो और ये जो 5 और 20 मूविंग एवरेज मतलब एक साथ में इसको क्रॉस करके घूमता रहता है, जो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉसिंग। तो ऐसे जब घूमता रहेगा तो इससे हमको पता चल जाता है कि मार्केट एक सोपी मार्केट है जहाँ से हम एंट्री करना मुश्किल होता है। तो इसलिए उसमें हमको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, वो ट्रेडिंग के लिए हम एक रेंज निकाल लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये रीजन से, राइट, यहाँ से यहाँ तक अभी भी आप देख सकते हैं ये एरिया, राइट, ये एरिया। तो यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज मतलब बार बार क्रॉस कर रहा है ना, मूविंग एवरेज को फॉलो करता, तो क्या होता है, ये रेंज में चलता रहता है। तो ये रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है, क्या हम पहले रेंज को निकाल लेना चाहिए, ये जैसे हमने रेंज निकाल लिया, राइट, ये रेंज हमें निकाल लिया। तो इसमें रेंज में क्या होता है, तो रेंज जब नीचे मिलेगा हम यहाँ पे सेल करेंगे, बाय करेंगे, और ऊपर जब मिलेगा हमें सेल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल और यहाँ पे बाय, फ्यूचर बाय, यहाँ पे हमें अभी क्या मिला, सेल मिला। तो अगर हम सेल करेंगे तो इसका थोड़ा ऊपर हम एसएल लगाएंगे, राइट, क्योंकि ये ऊपर अगर ब्रेकआउट कर दिया तो इस ये 27,400 तक जाना है। तो और यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ जाएगा तो इसमें हम क्लोज करेंगे और फिर से बाय करेंगे और एसएल यहाँ पर लगेंगे। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि आप देख सकते हैं पहले जैसे आप मार्केट यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन यहाँ पे परफेक्टली फॉलो अप हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज कंटिन्यूसली मतलब अरेंज हो रहा है, नीचे जैसे नीचे वाला छोटा छोटा वाला नीचे में आ रहा है, राइट, 200 ऊपर में। बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं ये एरिया से तो मूविंग एवरेज कुछ फॉलो नहीं हुआ रहा है, क्रिस क्रॉसिंग हो रहा है, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया तो आपको एसएल इसका ऊपर लगाना चाहिए, राइट। अगर ये एसएल हिट हो गया तो फिर से बाय जा सकता है, कहाँ पे, 27,400 के लिए, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।